सो भाई सच बोल रहा हूँ, बोर्ड रूल के हिसाब से जो पेपर पैटर्न बनाया जाता है, देन उसके बाद जो आपको सिलेबस दिया जाता है उस अकॉर्डिंग, और जो नए नए रूल्स आ गए उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स में पास होना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं रह गया है, अब बहुत सिंपल हो गया। कैसे? आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाते हैं जिन बच्चों को टेंशन आ रहा है। अब मान लो प्रैक्टिकल एग्जाम में सबको 30 मार्क्स 28 मार्क्स मिल ही जाता है, मैं 30 से प्लस करता हूँ, देन इसके बाद एमसीक्यू की बात करो, टोटल 3 मार्क्स का एमसीक्यू, 10 मार्क्स का एमसीक्यू, तो कितना हो गया 40 मार्क्स भाई, यही 40 मार्क्स हो जा रहा है, आप आराम से पास हो गए, यही कंबाइंड रूल है, आराम से पास हो गए, कोई टेंशन ही नहीं है पास होने का। इसके साथ ही बताना चाहूं कि आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर 8 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 48 मार्क्स ये हो गया। ओके, अराउंड 50 के पास पहुंच चुके हो, ना तो सेक्शन बी आपने संभाला, ना तो सेक्शन सी किया, ना सेक्शन डी, और सेक्शन डी किया, कोई भी चीज नहीं किया, फिर भी आप आराम से ये कर लिए। ओके, आराम से इतना आपने स्कोर कर लिया, ना तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन किया, ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन किया, ना जो 4 मार्क्स टू टू में डिवाइड वो किया, फिर भी आप पास हो गए, फिर भी टेंशन ले रहे हो। देखो एमसीक्यूज आप 21 में से भी कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक्स में से भी कर सकते हो, या तो आपके पास नॉन का डाइजेस्ट उसमें से भी कर सकते हो। इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उसको अगर आप संभाल के करोगे तो भाई आराम से क्या कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक देख लो, क्वेश्चन बैंक देख के जो चैप्टर आप कर रहे हो, 3 4 चैप्टर फिजिक्स वन के कर रहे हो, 2 3 चैप्टर अगर आप ऐसे स्टूडेंट आपसे नहीं हो पा रहा तो 2 3 4 चैप्टर कर लो इसका फिजिक्स वन का, 2 3 चैप्टर कर लो फिजिक्स टू का, और उन सभी चैप्टर क्वेश्चन बैंक पे देख लो कि आपने जो जो क्वेश्चन किया वो सब है। देन इसके बाद हमारे क्वेश्चन बैंक, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसको एनालाइज कर लो भाई, आप अच्छा स्कोर कर लोगे, अराउंड 50% 50 मार्क्स 50% मार्क्स तो आप यही स्कोर कर ले रहे हो जो इंजीनियरिंग में चाहिए फिजिक्स में, तो भाई टेंशन खत्म हुआ कि नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।